से परमानेंट एम्प्लॉयज को रेगुलर प्रोसेस अपने बेनिफिट सारे बेनिफिट दिए, यूटी के दे दीजिए, तो डेली वेजर कैजुअल लेबर को भी बेनिफिट दिए जाएंगे। जो दिहाड़ी दिल्ली में है वो दिहाड़ी दी जाएगी, लेकिन नहीं देगी हमारी जो डिमांड है SRO 64 का रेगुलाइजेशन है और 72 महीने का पेंडिंग है। और जो हमारा साथी इस डिपार्टमेंट ड्यूटी देते शहीद हो गया, उसके परिवार के एक सदस्य को परमानेंट नौकरी और उसकी बेवा को पेंशन, और जो साथी 30 साल या 35 साल अपना जवानी का सारा गोल्डन पीरियड इसको देके चला गया, उस साथी को पेंशन दी जाए और कम से कम 15-20 लाख उसके परिवार को दिया जाए, मदद की जाए। हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी कोई नहीं है। हमारा 18 का साथी, उसकी बच्ची जो ऑल ओवर इंडिया में वीर गाथा में दूसरे नंबर पर आई है, सभी जनों ने उसको दिल्ली बुलाया गया है इनाम देने के लिए। लेकिन हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार ये लगातार हमें कुचलने लगी है। हमारी पीढ़ियां भी ये चाहती है कि हमारी पीढ़ियां भी जैसे हम लोग बदमजूरी कर रहे हैं वो भी करें, लेकिन हम वो होने देने वाले नहीं है। हम किसी कदम को पीछे हटने देने वाले नहीं है, चाहे ये लाठी जलाए। परसों का इंस्टेंट उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जो हमारी बहनों पर लाठी चली वो बहुत निंदनीय है और इस सरकार की फ्रस्ट्रेशन बताती है। ये जुल्म करने वाले बेशर्म लोग सरकार में बैठे हुए हैं जिनको ये शर्म नहीं कि बहनों पे लाठी चलानी है। PM साहब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ जो लोग उन्होंने भेजे हैं नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर की तबाही कर दी इन लोगों ने। हर एक डिपार्टमेंट ने अफरा तफरी का माहौल है, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉयज है, चाहे 60,000 कैजुअल डेली वेजर थे जो आज 45,000 के करीब रह गए वो हों, या और NYC हो, रेवरेज जिरात हो, रेवरेज जंगलात हो, आंगनबाड़ी, हर तरह परेशानी है। ये कौन लोग हैं जो सिस्टम को चलते चलते सिस्टम को खराब कर रहे हैं? हम आपके माध्यम से माननीय होम मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहते हैं कि आपने जो लोग यहाँ नया जम्मू कश्मीर बनाने भेजे वो जम्मू कश्मीर की तबाही कर रहे हैं। और जो जन मसले हमारे, जो PHE का मसला हो या बाकी कैजुअल का मसला हो, SRO 64 को होल्ड किया गया है, SRO 520 में अमेंडमेंट कर लागू करें उन डिपार्टमेंटों में जहाँ वो चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे, उनको रोका जा रहा है बार बार। ये अफरा तफरी का माहौल बनाने में आज की एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा अहम योगदान है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, 22 जून से हमारा जो धरना प्रोटेस्ट जारी है PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के बैनर नीचे, गोली सीने पे खाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, बगैर पालसी घर नहीं जाएंगे। सर देखिए, जिस तरह से रेवरे खेल टीचरों के साथ किया गया लाठीचार्ज, टीचर्स को गुरु माना जाता है जी, लेकिन टीचर्स को शरेआम सड़क पर घसीटा गया, महिलाओं को घसीटा गया, और महिलाएं पुलिस द्वारा नहीं घसीटा गया, ये पुरुष पुलिस द्वारा महिलाओं को घसीटा गया, ये कहाँ का इंसाफ? देखिए, यही चीज तो हम कहते हैं कि अमित शाह जी, जो लोग आपने नया जम्मू कश्मीर यहाँ बनाने भेजे वो आंखें और कान बंद करके, चाहे राजभवन हो चाहे सेक्टर में बैठे हुए हैं, उनको ग्राउंड पे आम गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं, उनको सिर्फ स्मार्ट सिटी चाहिए, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाहिए जहाँ से उनको कुछ मिलता है शायद, इसलिए वो उन चीजों में जोर देते हैं जो पब्लिक के मुद्दे हैं। अगर पानी पिलाने वाले परेशान हैं 7-8 महीने से, बिजली वाले परेशान हैं, रेबरे खेल, रेबरे जात, आंगनबाड़ी वाले, जो भी जितने डिपार्टमेंट आप, वो सब के सब लोग परेशान हैं, तो ये लोग कर रहे हैं क्या जो डेडवुड बैठे हुए हैं? क्यों नहीं 22-48 इन पे लागू होती? हम लोग जो शुरू से कह रहे हैं, अगर हमारी जरूरत नहीं है हमारा पेंडिंग दो, हमारा 20-22 महीने का 20-22 साल का जो PF हम दो, हम घर चले जाएंगे, आप ये सिस्टम चला लो। ये कोविड में ये लोग कहाँ थे? लेकिन नहीं, इनको बदमजूर जिंदा रखनी है। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया, हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन मजबूरी हमारी क्या है, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है बच्चों को उस लेवल पर कंपटीशन दिलवा सके। फिर भी ठाठी जो हमारी बच्ची, हमारे दोस्त की बच्ची, उसका नाम है सईदा हफीज, उसने वीर गाथा में ऑल ओवर इंडिया में दूसरे नंबर पे है। उसका टॉपिक जो था कैप्टन विक्रम बत्रा, जो ले कारगिल वार में शहीद हुए, उसका टॉपिक था, और उस बच्ची ने बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ ऑल ओवर इंडिया में क्या पूरी दुनिया में उसे फैलाई कि जैसे विक्रम बत्रा जी ने कहा था, या मैं तिरंगा झंडा वहाँ पे फहरा के आऊँगा या मेरे डेड बॉडी पे तिरंगा झंडा आएगा। इसी तरह PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट का साथी, एक ही साथी, जब हमें कोविड में ड्यूटी दी थी हमने कभी नहीं ये सोचा था कि ये लोग हमारे साथ ये करेंगे। हमने अपनी ड्यूटी समझी, आज भी PHE का डेली वेजर अपनी ड्यूटी समझ के ये काम कर, लोगों को साफ और स्वच्छ पानी पिलाने का काम कर रहा है। लेकिन जैसे ये जल जीवन मिशन हो या बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला के इस डिपार्टमेंट को, ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स लोग इसको प्राइवेट करना